गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम नहीं भाग, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और तम ना भाग, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। मैं का
दिया तू जब तक जलाए तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। महका दिया तू जब तक जलाए तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अंतःकरण यदि शुद्ध ना हो तो ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले उसमें ज्ञान का दीपक जला ले। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी न जहाज है। अंतःकरण को शुद्ध बना ले उसमें ज्ञान का दीपक जला ले। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के एक एक वचन में गहरा राज। जिसे जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु को पूरा समर्पण हो तो धोखा कभी नहीं हो सकता। गुरु को पूरा समर्पण हो तो नहीं हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं हर सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं हर सकता। अब तो हर पल ये होता आभास है गुरु रहता सदा मेरे पास है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी न जहाज है। अब तो हर पल ये होता आभास है गुरु रहता सदा अपने पास है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के एक एक वचन में गरा राज। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी न जहाज है। जय सतनाम ख्याति बैठी है मेरे सुना। जय सतगुरु की। ज्ञान मिला भगवान ज्ञान मिल गया है अब तो मुस्कुराइए। प्रेमियों को साथ लेके वचन गाइए। ज्ञान मिल गया है अब तो मुस्कुराइए। प्रेमियों को साथ लेके वचन गाइए। देखिए क्या सीन जिंदगी उसकी बंदगी। देखिए क्या सीन जिंदगी मिल गई है उसके घर की बंदगी। प्रेमियों को साथ लेके
भजन गाए रे प्रेमियों के साथ ही भजन गाए ज्ञान मिल गया अब तो मुस्कुराइए प्रेमियों को साथ ले भजन गाए होठ पे सदाई तेरा नाम हो दिल में तेरे सदा प्रभु का धाम हो होठ पे सदाई तेरा नाम हो दिल में तेरे सदा प्रभु का धाम हो रोज सुकून की बगिया सजाइए प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए ज्ञान मिल गया है तो मुस्कुराइए प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए ज्ञान मिल गया है अब तो मुस्कुराइए प्रेमियों को साथ लेके भजन गाइए जय गुरु की जी से पीछे गा रहे थे तुम्हारा भैया अभी अपने प्रेजेंस दिखा रहे हैं मैं भी हुई ना प्रगति प्रगति सुना जय गुरु की आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने अज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने अज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने गुरु के मुखारबिंद से सदा ज्ञान गंगा बहती करो प्रेम सबसे प्यारे वाणी इन्हीं की कहती कर प्रेम सबसे प्यारे वाणी इन्हीं की कहती सत्संग रूपी अमृत लाए हमें पिलाने सत्संग रूपी अमृत लाए हमें पिलाने अज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने अज्ञान ज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने कल्याण हो जगत का संदेश यही देते कल्याण हो जगत का संदेश यही देते मिलजुल सभी से रहना आए हमें सिखाने मिलजुल सभी से रहना आए हमें सिखाने आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने अज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने पाएंगे कैसे प्रभु को कर कैसे हम भक्ति कैसे मिलेगी शक्ति उसकी बताते युक्ति तन मन प्रभु पर अर्पण कर देख तो दीवाने तन मन प्रभु पर अर्पण कर देख तो दीवाने अज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने अज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने अज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने ये ब्रह्मा और विष्णु गुरु का ही रूप समझो ये ब्रह्मा और विष्णु गुरु का ही रूप समझो दाता दयालु गुरु को शिव का स्वरूप समझो दाता दयालु गुरु को शिव का स्वरूप समझो हम मात पित भ्राता गुरुदेव को ही माने अज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने अज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने अज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने अज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने जय सतगुरु की मट्टी का प्यास बुझाए कैसे प्यास बुझेगी पानी से भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से वक्त के धारे में बह
रहने दो टूटी फूटी कश्ती को, वक्त के धारे में बहने दो टूटी फूटी कश्ती को। तूफानों से बच निकला है कौन अपनी मनमानी से, तूफानों से बच निकला है कौन अपनी मनमानी से। बड़े चलो हल हो जाएगी मुश्किल भी आसानी से, बड़े चलो हल हो जाए कि मुश्किल भी आसानी से। भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से, मटका प्यास बुझाए कैसे प्यास बुझेगी पानी से। भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। हीरा मोती ले कर काहे मन का चैन गवाते हो, हीरा मोती ले कर काहे मन का चैन गवाते हो। मन का चैन मिलेगा तुझको सतगुरु की ही वाणी से, मन का चैन मिलेगा तुझको सतगुरु की ही वाणी से। मटका प्यास बुझाए कैसे प्यास बुझेगी पानी से। भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। देख बड़ी मुश्किल से तूने रब रास्ते ओ पाया है, देख बड़ी मुश्किल से तूने रब रास्ते ओ पाया है। ये रब रास्ता खो ना जाए कहीं तेरी मनमानी से, ये रब रास्ता खो ना जाए कहीं तेरी मनमानी से। मटका प्यास बुझाए ऐसे प्यास बुझेगी पानी से। भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। जय गुरु की, जय गुरु की बेटा, जय गुरु की, जय गुरु की, जय गुरु की। तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, सबर संतोष मिलता है तुम्हारे पास आने से। खजाने भर दिए तूने जरा से मुस्कुराने से, जिन्हें भी शौक मिल जाए तेरा आधार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, मुसीबत आ नहीं सकती जहां गुणगान तेरा हो।
सबसे बढ़िया है, जहाँ तेरा बसेरा हो। मगर लाजिम है आ जाए तेरा एतबार जीवन में, तुम्हारा प्यार मिल जाए। तुम्हारा खुला हुआ है, बंद करो। जीवन में नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें हर शे समाने की। मगर लाजिम है आ जाए तेरा एतबार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में। जय गुरु जी, जय सत्य राह बेटा। ऐसी है कि जीते जी मरना कहना नहीं है, जीते जी वास्तव में मरना पड़ता है। अभी संसार की राह पे चले एकदम तो 2 मिनट लगता है तोड़ फोड़ करने में, 2 मिनट। लेकिन जब गुरु की राह पे चलते हैं तो सच्चाई ये है कि गुरु की इज्जत का सवाल हो जाता है। इसी से गुरु की कहते हैं कृपा दृष्टि भी मिलती है, इसी से मिलती है। और फिर एक बार बोले ना, बस एक बार मिट जाए, एक बार वो विश्वास कर ले, हम विश्वास कर ले, उसको हमारा विश्वास हो जाए हम पे, ये कहना मन से कभी हारेगा नहीं, मन को ही हराएगा। तो बहुत फिर देखो क्या क्या यही पे बोले, दोनों जहान की दौलत सब दी है अपने, ये भी यहीं पे होता है। लेकिन वो ये ना शर्त थोड़ी सी लगी होती है कि बस मैं ही मिटती है। हम लोग गुरु के विचार को अपना के चलते हैं तभी आराम में रहते हैं, क्योंकि पहले ही उन्होंने बोल दिया कि जीते जी मरना, तभी जो है ना मुक्ति मिलेगी। किससे मिलेगी? मन से। हम लोग समझते हैं दूसरा है, यही दूसरा है नहीं, इसी का ये तो सारा अभ्यास है जीवन भर का। तो दूसरा देख के बोले 2 मिनट लगता है, जो एक तो होता है निर्बल होता है तो कहीं आसरा नहीं है तो जाए कहाँ, मजबूरी है। एक होता है सबल है, सब तरह का सक्षम है, सब तरह से उसके बाद भी वो वही जो है ना अपने धर्म में ही मरना पसंद करता है, अपने धर्म में ही रहता है। तो बस वहीं से मिल जाता है गुरु का बड़ा, बहुत गुरु का जलवा दिखेगा, बहुत देखने लगता है भी जीवन और आगे भी दिखेगा। ऐसा है बोले अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है, सभी जीते हैं, कल्याण हो जिससे सबका, ऐसे जिए तो वो कठिन तो रहा है ही है, बोल देना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कर गुजरने में बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि संसार में मिलना कुछ नहीं है, किसी से आस रखोगे तो नहीं मिलेगा, सच बता, किसी से नहीं मिलेगा। इवन अपना शरीर भी धोखेबाज है, दूसरों की तो बात ही छोड़ दो, स्वयं का अपना शरीर भी धोखा देता है। जिस शरीर पे हम गुमान करते हैं वो भी धोखा देता है, तो इसलिए किसी बात का गुमान ही तो गुरु जी निकाल रहे हैं और अपने गुमान में ला रहे हैं और कर क्या रहे हैं, अपने गुमान में ला रहे हैं हम लोग, तो उनके गुमान
से ही जो है ना हम भी फूले हुए दिखाई देते हैं, हम भी आराम में दिखाई देते हैं, हम भी शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि तू हमारा है, हमें मालूम है। शुक्राचारी तो होनी नहीं, मुसीबत आनी नहीं, मन ही मरता है और कुछ नहीं होता है। मन मन के मारे ही क्या है, आराम है। मन मोड़ते जाओ, देखो कितना आराम होगा। जय सतगुरु। बहुत अच्छा लगता है जब मन का जैसे ना हो और उसके बाद सामने वाले के हिसाब से होता है, उस तकलीफ होती है मन को, लेकिन इतना अच्छा लगता है बाद में कि हम बता नहीं सकते, शब्द नहीं, खत्म ही हो जाते हैं जैसे शब्द वहां से। क्या कहें, ये सारी ताकत गुरु की है। क्योंकि मुझे वो भी समय याद है जब कहा था, जब बता, अभी तो तुम्हें पता है ना, भरोसा है ना तुम्हें कि तुम कर सकती हो, तुम्हें एक आसरा है। तो वो बात बैठ गई गुरु के दिमाग में कि अरे ये सब भी छोड़ना ही है, ये सब छोड़ना है। अभी तो तुम, बात सच है गुरु, कहीं से गलत नहीं। उन्होंने कहा अभी तो तुम्हें है, हम ऐसा कर लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, ऐसे कर लेंगे। गुरु मन यही सोचता था अभी तुम्हारे पास सक्षमता है, और वो सब जैसे हटती गई गुरु की मान मान के। अब लगता है हाँ कुछ नहीं है, मतलब गुरु के वचन की ताकत है, अपनी नहीं है, वचन का सारा चाल चल रही है, जो ये चल रही है खेल वचन का चल रहा है। जैसे अंदर में महिमा रहती है, अंदर में छोटी छोटी बातें जब हो रही घर में, अभी जैसे छोटी छोटी जो हो सकती थी कुछ साल पहले भी, ऐसे फर्श होना ये सब होना, तो मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे लगता अरे सब जब जो होना है तब होगा, लेकिन तुमको उतने में अभ्यास करना हो गया, तो आगे कितनी मजबूती हो गई इस चीज से। अगर वो तुरंत हो जाता वो काम, तो मुझे ये सब एहसास कैसे होता, मैं तो ज्ञान में टिक ही नहीं पाती है, क्योंकि मिलता चला जाता। मेरा जो एक प्रोसीजर था गुरु द्वारा दिया गया वो यही था, तो मुझे तो इतना आनंद आने लगा उसमें कि अरे ये तो सब हो सकता था, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें मेरी ही बनावट थी। तो सामने वाले के प्रति गलत भाव भी मिटने लग रहे हैं, और अभी भी खड़े हो जाते हैं दीदी, ऐसा नहीं है। मन एक एक पल में दिख जाता है, अभी बोला है शायद तो अभी ही दिख जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन क्या सत्संग इतना दो टाइम करो तो इतना अच्छा लगता है। दो टाइम की जो ताकत मिल रही है वो उसका तो अलग ही हिसाब है, कि जो ये दो टाइम ये लगता है देखने में सत्संग कर लिया, नहीं, बाद में इसकी जो जुवाली चलती है उससे बड़ा आराम मिलता है जुवाली से, क्योंकि दिमाग में दिन में वही चीज भरी हुई है, कुछ और है ही नहीं। सही है, ये भगवान है क्या, मन ही है भगवान, दो ही विषय है, सारे टाइम उसी में वही खोजना रहती है, उसमें ही सारा समय जाता है। जैसे और कौन गा रहा है, किसका गाने का मन, सानी आंटी कुछ बोलना चाह रही है, सानी आंटी आप कुछ बोलना चाह रही है, बहुत दिन बाद दिखाई दी पर्दे पे। जय सतगुरु के, जय सतगुरु के, जय। हम सबका जीवन में अभ्यास ही तो चल रहा, पहले तो समझ में ही नहीं आता था, पहले तो अपने आप में समझ में नहीं आता था कैसे अपने विकारों से उभरे, कैसे अपनी मैं से उभरे, अभी तो समझ में आने लगा है कि हाँ ये है, ये मैं का दोष है अंदर में, तो वही देखते देखते ही कभी सत्संग में जाना हो तो सुबह से क्या है, रात से ही होने लगता है, कैसे जाएंगे कैसे चलेंगे, मैं तो चल नहीं पाती हूँ।
लेकिन एक बार अगर हिम्मत करके, हमारी हिम्मत नहीं, गुरु जी हिम्मत दिला देते हैं, पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सब बदल जाता है। ये गुरु की महिमा बहुत बड़ी है, बार बार गलत में से निकालते हैं हमें, फिर मन मुस्ते में चला जाता है। हर समय क्यों नहीं बना रहता वो विश्वास? आंटी गुरु जी ने एक बात बोली थी कि जब तक, जैसे कहते नहीं है पूजा पे चढ़ाने के लिए जब हम लोग अच्छे फूल लेकर आते हैं भगवान पे चढ़ाते हैं, तो बोले इसने बचपन से भजन किया होता है तो वो जो है ना अभ्यास बन जाता है। कि ये तो शरीर की अवस्था है, इंद्रियां तो स्वाभाविक है कि परिवर्तित होंगी, अब उसमें वो ताकत नहीं, मशीन है ना। तो उस गुरु जी ने यही कहा कि कुछ रहे ना रहे तुम्हारा श्वासों में तुम्हारा जाप हो भगवान का, तुमसे श्वासों से निकले ना, तो इसके लिए ही शुरू से भजन करने लगे। जो हम लोग को नहीं शुरू से किया लेकिन कम से कम थोड़ा देर से किया लेकिन करने लगे हैं, तो कम से कम श्वासों में जाप तो होता है ना। शरीर ना जा पाए तो क्या हुआ, शरीर की अवस्था है, नहीं जा पाई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर तो वही चल रहा है। कितनी कथाएं कहानियां इस बात में है कि कोई गोपी भगवान के पास नहीं जा पाई, बंधन लगा उस पे, तो सबसे पहले पहुंच गई वहां कि भाव से दिल से। और बहुत सी तो सामने तो ऐसे ही है, गुरुजी भी हमेशा हम लोग देखते थे कि भाव होता था तो गुरुजी को हम लोग वही महसूस होते थे। गुरुजी कहते तुम आई थी, तुमने ऐसा किया, ये था वो था, बहुत बोलते। तो जबकि हम समझ में भी नहीं आता था कि ये मेरा भाव है या ये हुआ था, उस समय तो बिल्कुल बुद्धू, लेकिन गुरुजी की बात पर विश्वास बाद में होने लगता था कि हाँ गुरुजी को ऐसे ही जब अपने साथ वो होता है तो लगता है हाँ, कि शरीर हो ना हो लेकिन हम भाव से और विश्वास में है उसके, तो हम वही है, सत्संग में ही है, कहीं और दूर है। आपको, आप कहीं भी है, शरीर आपका कहीं भी है, लेकिन आप कहाँ है? आप तो गुरु जी में ही है ना, ध्यान में ही है बस। तो हो रहा है भजन, हो रही है नजदीकी। पक्का विश्वास करिए कि आप सब वहीं पे हैं, क्योंकि दिल से तो आप हर समय उन्हीं का चिंतन कर, कॉन्फिडेंस उनका है, अपने लोगों का क्या खुद का। अब कोई भी कमी हमें आ गई है तो उसका जवाब सभी लोग बताते हैं एज फैक्टर। तो अब लगता है सत्संग से भी इस तरह हो जाते हैं तो फिर वो एज फैक्टर ही है। दिल से तो हो रहा है, दिल से आपका वजन हो रहा है, शरीर कहीं भी है, इससे शरीर की कैसी अवस्था, शरीर तो प्रारब्धानुसार अपनी परिवर्तन में रहेगा ही रहेगा, उसकी गति है, बचपन जवानी बुढ़ापा आखिरी में दूसरी अवस्था इसकी, लेकिन ये तो अवस्था है शरीर के। आप कहाँ पे हैं, बात तो ये है हम कहाँ हैं। तो कहानी भी थी ना, पंडित और वो दोनों दोस्त थे, दोनों के अलग अलग प्रवृत्ति थी, वो भोग में ज्यादा रहता था सांसारिक एक लड़का, और एक भगवान का भक्त था, थोड़ा उसे रुचि थी ईश्वर में, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी तरफ खींचते थे दूसरे दोस्त को। एक बार वो माना नहीं, भजन कर जाना था उसे, तो वो दोस्त को भी ले गया, तो नहीं माना, तो हुआ क्या कि वहां रास्ते में जो भजन करने गया था उसे तो मिल गया, बहुत उसके पैर में कांटा अड्डा चुहा, और जो नाच वाच देखने गया था संसार में गया था उसको एक मोहर मिली, तो उसको भी शंका हुई कि अरे मैं तो भजन करने गया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो संतों के पास गया, ज्योतिषियों के पास गया, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे
जीवन में आज मृत्यु थी और तो लेकिन जो है तो तुम्हारे अच्छे कर्म थे इसलिए इसके कारण तुम्हें को आज मिला, ये सिर्फ कांटा चुभ के रह गया। और उसके लिए बोला कि तुम्हारे ऐसे कर्म थे कि आज तुम्हारे राजा होना था तुम्हें, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक मोहर से संतोष करना पड़ा। और दूसरी एक कहानी थी उसमें था कि वो जो दोस्त था वो उसको ले गया, मतलब माना नहीं, जो संसार में गया तो नाच में चला गया नाच वाच देखने। दूसरा पंडित जी की कथा में बैठा था तो वो शरीर से वहां बैठा था पंडित जी की कथा में, लेकिन उसके दिमाग में क्या चलने लगा कि हाय मैं तो बेमतलब में यहाँ आ गया, मेरा दोस्त तो नारी के लटके झटके देख रहा होगा, कितना मजा ले रहा होगा, मैं कहाँ पंडित जी की कथा में आ गया। और वो उधर वो दोस्त जो नाच देख रहा था उसको लगा कि मैं कितना, वो अपने से शर्मसार हो रहा था कि मैं कितना खराब हूँ, देखो मेरा दोस्त मुझसे कह रहा था कि कथा में चलो भगवान का नाम लो, कहाँ मैं इसको देखने आ गया। मरने पे क्या हुआ, जो कथा सुन रहा था उसे मिला नरक और जो नाच देख रहा था उसे मिला स्वर्ग। तो पूछा ऐसा क्यों, बोला इसलिए क्योंकि तुम्हारा चित्त तो तुम्हारा कहाँ था, भगवान में था, बेशक तुम शरीर से लटके झटके देख रहे थे लेकिन तुम हृदय से तो दिल से तो तुम भगवान में ही थे, वहीं पे थे कथा में। तो ऐसे ही है, हमारा शरीर कहीं भी है लेकिन हमारी चित्त कहाँ है। चित्त बोले अभी हम लोग भजन में बैठे हैं, चित्त हमारा बोले कहीं भी भटक गए, बोले खाना बनाना है, अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि भजन कर रहे थे तो एकदम से नल के टपकने की आवाज आई, जो सच बात है, आई तो दो मिनट लगता है जुबान हिलाने में या दो मिनट लगता है उठ के जाने में, खुद उठ के ना जाओ क्योंकि हमें सत्संग बैठे रहना है, इसलिए दूसरे को ऑर्डर कर दो, कितनी देर लगती है, बगल में बैठे भी है कि अंदर में जाके टप टप कर रहेगा आवाज, कोई भी पिली लेके हम उस चीज को खत्म कर सकते थे, मना करके मतलब बंद करवा सकते थे, लेकिन फिर लगा कि कुछ नहीं करो, ये भी तो एक किसी से करवाओ या खुद करो, चित्त तो भटक ही रहा है तो चित्त लगाओ परमात्मा में, बूंद टपक रही है टपकने दो। सच कह रहे हैं किसी ने बंद नहीं किया लेकिन अब बूंद की आवाज नहीं आ रही टपकने की, चित्त भगवान में लगा, चित्त भगवान, हमें नहीं मालूम क्या हुआ लेकिन चित्त भगवान में लगा, हमने किसी को अपनी तरफ से नहीं कहा, भैया बोल रहे हैं कि मैं गया तो इनको सुनाई दिया जबकि ये तो बह रहे इन्हें तो सुनाई ही नहीं देती तो अभी नहीं तो मन इसीलिए भटका ना, जब हमने अपना चित्त चिकाया तो आपका भगवान ने भटकाया, जाके बंद हमने तो देखा नहीं आपको जाते, मतलब कोई बता रहे हमने हमने चित्त इधर लगाया तो ये हुआ। तो बात यही है कि चित्त लग जाता है तब संसार देखना बंद हो जाता है, और जब तक चित्त नहीं लगा है तब तक भगवान के दरबार में भी हम बैठे हैं तो बैठे तो हम संसार में, चाहे हम कुछ भी करें, बात है चित्त का है, ब्रह्माकार वृत्ति, चित्त वृत्ति कहते नहीं है, हम लाए गुरु द्वार से ब्रह्माकार वृत्ति, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के, मन से कहता है, इस मन को बोलता है कि तुम इसको संभाले रहना, क्योंकि मन ही तो ज्योत स्वरूप है, मन ही तो जो है ना इसका एक पहलू जिसमें हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, तो उसमें विचार बुद्धि के ही तो, बुद्धि विचार देती रहती है, बुद्धि में आते रहते हैं, तो वो बोले वो विचार ही तो मैं से ही पनपते हैं, मैं से मैं कोई विलीन करके रह जी, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही, सीता राम सीता राम सीता राम कही, अब ना ये करना है ना वो करना है, जो तू करा ले शरीर से वो करना है, जहां तू रख दे वो करना है, नहीं भजन जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, ले चलो मैं
चलूंगा, जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई उलाहना न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी तेरे हाथ में सारी व्यवस्था। कहना भी होगा तुम्ही से कहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे जीवन समर्पित। ये जीवन समर्पित गा रही है। समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे। जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। छोटी छोटी घटना से ही गुरु के ज्ञान समझ में आता है। यही अभ्यास है कि हम और आप अपनी इंद्रियों को रोकें तो ईश्वर प्रकट हो जाएगा। भले कहीं भी प्रकट हो, हमारे से क्या मतलब। हम तो ये देखते हैं, हम रुके तो दूसरा प्रकट दूसरे के मन में बनने, उसके कान भी दे दिए, नहीं तो उनके तो कान का मतलब ही नहीं था। इस समय बहुत दूर बैठे हैं, बहुत कान से सुन नहीं पाते हैं भैया, सब उल्टा सुनते हैं। बहुत वैसे पास जाके बोलो या मतलब की बात बोलो तब सुनते हैं, अन्यथा नहीं। संबंधित मतलब की कोई बात होगी तो सुन रही है, अन्यथा नहीं जल्दी सुन पाते। तो कहते नहीं है, बोले
अंधन को आंख दे, बहरन कान दे, है गोरिन को काया। तो ये बात भी राइट है कि हम जो रुकते हैं तो फिर भगवान प्रकट होता है। रुकना ही बड़ा कठिन होता है, कुछ ना कुछ करने लगते हैं, कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, कुछ ना कुछ समझाने लगते हैं, कुछ ना कुछ आतुर होके शरीर से करने लगते हैं। तो बोले थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, थोड़ा उस पर विश्वास करके अभ्यास करना है। तो थोड़ा विश्वास करके जब अभ्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि वो प्रकट होता है। बोले रुकावट ही वहीं तक की थी जहां तक हम रुके नहीं थे, उसकी कृपा में रुकावट ही वहीं पे है जहां तक हम रुके नहीं है। जहां हमने अपने को रुकना शुरू किया वहां उसकी कृपा बरसने लगती, प्रकट होने लगती है और वो दिखने लगेगा। फिर और आराम कितना होता है, निश्चिंती कितने, सब भगवान करने वाला है। जैसा चला है वैसा चलिए, छोड़ना पड़ता है बस, छोड़ना होता नहीं तो छोड़े भी होता नहीं, छोड़ना पड़ता। उसी दिन थोड़े दिन पहले की बात, जैसे खांसी आ रही थी, पूजा ऊपर थी, अब ये हुआ कि कॉल उठते पहले खांस ले चुप करके भी बैठे रहते नहीं उठते। उतने में कोरियर आ गया, वो आई नीचे खांसी देख के पानी दे गई। मैंने कहा देखो चुप बैठे रहे तो भगवान देंगे, कहना वही रुकना पड़ता है ना, रुकेंगे नहीं। तो मैं कोरियर आया तो नीचे आई, देखो ऐसा होता, रुकना पड़ता है, रुकना पड़ता। ये छोटी छोटी घटनाक्रम से ही अभ्यास पड़ता है। अभी डेढ़ घंटे का इसीलिए, डेढ़ घंटे का सत्संग इसी अभ्यास के लिए तो कराया जाता है। हम कर रहे हैं सब, बहुत कुछ होता है, हम देखते हैं, इसका भी वीडियो खुला होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्थिर होके बैठे होते हैं, थोड़े ऐसे हैं जो बहुत हिलते डुलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते दिखाई देते हैं। तो बोले क्या है, हम ही तो बने हुए हैं, हमें जो चाहिए वो तो तभी मिलेगा ना जब हम स्थिर होएंगे, तभी तो वो प्रकट होएगा हमारे आपके लिए। उसको प्रकट करने के लिए खुद को जड़ बनाना। एक जगह बड़ा अच्छा लिखा, बड़ी क्लिक कर जाती है, वो बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि होना तो ये चाहिए था कि हम जड़ हो जाते और ईश्वर हमारे लिए तो चारों ओर डोलता, लेकिन हो गया उल्टा, हम डोल रहे हैं, खोज रहे हैं ईश्वर को, वो जड़, हमने उसको जड़ कर दिया, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं तीर्थों में, कहीं आश्रमों में, कहीं ना कहीं उसे जड़ बना। ये विवेकानंद की एक बुक में लिखा था, उल्टा हो गया है। होना ये था कि हमें अपने को थामना था और भगवान को प्रकट करना था चारों तरफ, हो गया उल्टा, हम उसे खोज रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सब जगह भटक रहे हैं, उसको जड़ कर दिया कि तुम बस यही हो, तो इसलिए भटक रहे हैं, जा रहे हैं, उसके मन टकरे खा रहे हैं। तो ये गुरु जी के ज्ञान से समझ में आया, उन्हीं के व्यवहार से, कि कैसे जड़ता में आना है। उनके सामने अभ्यास किया, धीरे धीरे जो है ना वो अभ्यास अपने जीवन में लाभ देने लगता है, चारों तरफ भगवान प्रकट होने। बड़ा अच्छा ज्ञान है गुरु जी ने दिया है, बहुत अच्छा।